जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद भारत में हुए उग्र आंदोलन पर तो सरकार ने किसी तरह काबू पा लिया, यानी कह सकते हैं कि अग्निपथ की आग भारत में तो ठंडी पड़ गई। लेकिन अग्निपथ के विरोध में अब सरकार को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अग्निपथ से गुस्साए गोरखा युवाओं ने अब यहां तक भी कह दिया है कि अगर भारतीय सेना में हमारे लिए जगह नहीं है तो हम चीन और पाकिस्तान की सेना में जाएंगे। हम भारत के लिए जान दे सकते हैं, अगर चीन और पाकिस्तान हमें अपनी सेना में शामिल करते हैं तो हम चीन और पाकिस्तान के लिए भी अपनी जान दे सकते हैं। दरअसल ऐसा कहने वाले ये युवा नेपाली गोरखा है। बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले नेपाली गोरखाओं ने यह बात कही है, क्योंकि नेपाली गोरखाओं में अग्निपथ को लेकर अभी भी बहुत गुस्सा है और इसी के चलते ये युवा अब चीन और पाकिस्तान की सेना में जाने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट ये भी है कि चीन भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, यानी वो किसी भी तरह इस मौके को चूकना नहीं चाहता है। वो इसको लेकर तैयारियों में है कि किस तरह नेपाली गोरखाओं को चीनी सेना में शामिल किया जाए, क्योंकि गोरखाओं की वीरता, बहादुरी, निडरता और उनके साहस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो दुश्मन का काल बनकर ही बाहर निकलते हैं। इनकी बहादुरी को देखते हुए ही चीन इन्हें अब अपनी सेना में शामिल करना चाहता है। कहते हैं कि एक आदमी का नुकसान दूसरे आदमी का फायदा होता है और चीन ने इस बात को शायद बखूबी समझ लिया है। चीन अपनी विदेश नीति में इस कहावत का इस्तेमाल करने जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन नेपाल के खूंखार गोरखाओं को अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में भर्ती करना चाहता है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि नेपाली गोरखाओं को चीनी सेना में भर्ती करने का सपना पूरा भी हो सकता है। चीन की इस वर्षों पुरानी चाहत को पूरा करने के पीछे परोक्ष रूप से भारत की अग्निपथ योजना का भी बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये गोरखा है कौन और भारतीय सेना में उनका इतना सम्मान क्यों है? चीन क्यों इन गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए इतना उतावला है? दरअसल गोरखा नेपाल के पहाड़ों में बसने वाले जन्मजात लड़ाका है। गोरखाओं की हिम्मत और वफादारी पर कोई शक नहीं करता है। गोरखा शारीरिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को भी पलक झपकते ही मार सकते हैं, मिटा सकते हैं। 1814 में जब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार नेपाल में करना शुरू किया तो उनकी भिड़ंत इन्हीं गोरखाओं से हुई और इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों को इतना तो समझ में आ गया कि गोरखाओं से युद्ध में जीतना आसान नहीं है। आजादी के बाद भारतीय सेना द्वारा लड़े गए हर युद्ध में गोरखाओं ने वीरतापूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कई परमवीर चक्र तक अर्जित किए हैं। उनकी बहादुरी कुछ इस तरह है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भी एक बार कहा था कि अगर कोई आपसे यह कहता है कि वह मौत से नहीं डरता है तो या तो वह झूठ बोल रहा है या तो वह गोरखा है। बस यही कारण है कि चीन इन गोरखाओं को अब अपने पीएलए में शामिल करने के लिए ललचा रहा है। अब ऐसे में सवाल कई और भी उठते हैं कि क्या सरकार नेपाली गोरखाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में कुछ संशोधन करेगी या नेपाली गोरखाओं की भर्ती ही अलग से कराई जाएगी? अगर दोनों देशों की सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है तो क्या नेपाली गोरखा चीन और पाकिस्तान की सेना में शामिल होंगे? और देखिए, अगर ऐसा होता है तो क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा? दूसरी ओर चीन गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती कराने के लिए इतना उतावला क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसे ही कई और सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपके इसको लेकर क्या विचार हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथ में फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।